पुष्पा जी, हमें आपसे ही उम्मीद नहीं थी. आपको दिखाई नहीं देता है, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई. हम डर गए थे मैडम सर. हमें लगा अगर आपको पता चल गया हमारी आंखों के बारे में तो आप हमें ड्यूटी के लिए अनफिट मानकर हमें घर पे बिठा देती, हमारे हाथ में VRS थमा देती और रिटायरमेंट से पहले ही हमें घर बैठ जाना पड़ता. अगर ऐसा होता तो हम तो जीते जी मर जाते ना. हम कैसे रह सकते थे आप सबके बिना. वैसे भी मैडम सर, बस ये एक महीने की तो बात है. डॉक्टर साहब ने बोला है कि अगर हम दवाइयाँ ठीक से लेते रहेंगे तो हमारी आंखें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी. तुम क्या अपना सर हिला रहे हो? तुमने भी इनका साथ दिया है. अच्छे से जानते हो ना कि गलत का साथ देना भी उतना ही गलत होता है. मैडम सर, जानते हैं कि हम बहुत बड़का गलती कर दिए, लेकिन क्या करते, इनका नमक खाए हैं, इनको कैसे मना कर सकते थे हम मैडम सर. क्या? हाँ, खाए हैं. दाल सब्जी चटनी पकौड़ी लाती है तो सब खाते हैं ना. और मलाइका इतना बढ़िया खाना बनाती है ना कि क्या बताएं मैडम सर. उसका पकौड़ी और आंवला का चटनी आप ट्राई कीजिए आप. सॉरी सॉरी मैडम. क्या कर रही हैं आप खड़े होकर? बातें सुन रही थी. वाओ, सो ऑनेस्ट. थैंक यू. अब आप अभी के अभी एक टांग पर खड़ी हो जाइए और जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती आप एक टांग पर ही खड़ी रहेंगी. मैडम सर, वो मेस में पानी का प्रॉब्लम है ना, तो बाल्टी लेके ऊपर जा रही थी तो राइट पैर में मोच आ गई, मुड़ गया था तो लेफ्ट पैर पे खड़ी रहूं. उफ, ये मासूमियत. तुम्हें मुर्गा बनना है? नहीं मैडम सर, बिल्कुल भी नहीं. सॉरी मैडम सर. गुड, खड़ी रही ऐसे. तो कहाँ थे हम पुष्पा जी? अब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए. हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते थे इसलिए हमने हमारी आंखों की ये बात आपसे छुपाए रखी. क्या पुष्पा जी? नहीं, हमको भी नहीं पता चला मैडम सर. जय हिंद. जीते. क्या पुष्पा जी, आप भी कहाँ? नोच क्यों रहे हमें? चूटी क्यों काट रही हैं आप? अरे हम चूटी नहीं काट रहे, ये कुछ लगा था ये हटा रहे थे हम. चूटी काय काटेंगे, टोपा थोड़ी है हम. ये चल रहा था इतने दिनों से, घर इसलिए नहीं आ रही थी कि भाई लल्ला को पता ना चल जाए, है ना पुष्पा जी? क्योंकि लल्ला आपको ड्यूटी पे नहीं आने देते ना. ये तो कल रात को हमारे सर में ना एकदम से दर्द उठा तो हम अपना दवाई. सॉरी सॉरी. तो हम ये बता रहे थे कि हमारे सर में दर्द उठा ना मैडम सर, तो हम दवाई लेने गए. वहाँ हमारा वाइटामिन का जो गोली हम रखते हैं वो गायब था. वहाँ हमको ये मिला, ये देखिए, ये आँख का दवाई. पुष्पा जी आपका है ना? यही है हमारी दवाइयाँ. ये दवाइयाँ घर पर थी जी. हे भगवान, तो फिर इतने दिनों तक हम कौन सी दवाइयाँ खा रहे थे? हमारा वाइटामिन चबा रही थी आप इतने दिनों से. तभी हम सोचे इतने दिनों से दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी हमारी आंखों की रोशनी ठीक क्यों नहीं हो रही है. ये क्या किया शिव जी आपने? अब ये जो दवाइयाँ ना ये चबाइए, आंखों की रोशनी वापिस आ जाएंगी. ठीक है पुष्पा जी? पुष्पा जी, आप इतना ही समझ पाई हैं हमें? आपको सच में ऐसा लगा कि अगर आप हमें सच बता देती तो हम आपको नौकरी से निकाल देते? एक बार सच कहकर तो देखती. हम एक टीम है पुष्पा जी, हम आपकी मदद करते. भूल हो गई मैडम सर. अब हो गया सो हो गया. अब आप अपनी सारी दवाइयाँ टाइम पर लीजिए और डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन दे वो सब अच्छे से फॉलो करिए जी. और जहाँ तक बात है रमित वाले मामले की, तो गलती तो आपसे हुई है पुष्पा जी. और अब अगर आप ये गलती मानेंगी ना तो मीडिया और पब्लिक हम पर प्रेशर डालेगी आपको नौकरी से निकालने का. अब मैडम सर, ऐसी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं हम, आप बताइए. सॉरी. तुम सीधा नहीं खड़ी रह सकती हो क्या? सॉरी. एक ही तरीका है, अगर किसी तरीके से टोनी अपनी गलती मान ले और ये स्टेटमेंट दे दे कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और ये कहे कि पुष्पा जी आधा झगड़ा हो जाने के बाद इन्वॉल्व हुई थी और इस गलत फहमी में आकर उन्होंने रमित को पकड़ लिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. पर नहीं मैडम सर, आपको लगता है कि ये टोनी जैसा घटिया और अड़ियल आदमी ऐसा स्टेटमेंट देगा? देना तो उसे पड़ेगा, गलती की है उसने तो सबक तो सीखना ही पड़ेगा. सड़क पर किसी की भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये अब हम उसे सिखाएंगे. ठीक है मैडम सर, उसको समझाएंगे, उसे FIR खारिज करवाएंगे ताकि हम प्रतियोगिता में लास्ट नंबर पे ना आए. अब सबके दिमाग से अभी तक प्रतियोगिता का भूत नहीं उतरा है. करिश्मा सिंह,
सबसे पहले ड्यूटी, बाकी सब कुछ बाद में, क्लियर? जी मैडम सर। आप सब जा सकते हैं। जी संतोष शर्मा। हाँ? आप भी। हाँ, थैंक यू मैडम सर। दर्द हो गया क्या पैर संतोष? करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। आप ठीक है ना? आप इस तरह से लंगड़ा कर क्यों चल रहे हैं? पुष्पा जी मैडम सर, क्या बताएं हम, पुष्पा जी का भी छज्जे पे सारा सामान रख दिया उन्होंने, वो उतार रहे थे, पूरा ट्रंक हमारे पैर पे आके गिर गया, तो थोड़ा सा, पर ठीक है, वो एक दो दिन में ठीक हो जाएगा मैडम सर, कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक, हम जाएं? जी। जय हिंद। जय हिंद। इतना दर्द हो रहा है तो एक जगह खड़ी रहिए फिर, और बताएंगे हम किसका इंतजार कर रहे हैं? वो मैडम सर, हमने जांच पड़ताल किया टोनी के केस में, तो हमको पता चला कि टोनी का जो वाइफ है वो खुद उसकी गाड़ी में उसके साथ बैठना पसंद नहीं करती है। तो फिर कैसे जाती है वो? बस वो आने वाली होंगी, वो आपको बता देंगी। मैडम सर आ गई। रिक्शा में? नमस्ते मैडम, मैं सुनी थी टोनी की वाइफ म्यूजिक टीचर। आपके पति ने हाल फिलहाल रमित नाम के आदमी के अगेंस्ट एक FIR की थी, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं, और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने पति टोनी के साथ कहीं साथ में ट्रैवल क्यों नहीं करती? देखिए मैडम, मैं ठहरी एक म्यूजिकल टीचर, सीधी साधी, नाजुक, कोमल और सेंसिटिव सी औरत। अब ऐसे में मेरे हस्बैंड हर जगह पे मार पीट, गाली गलौज करते हैं, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। ऊपर से मेरा 19 साल का बेटा, अब वो जब इन्हें सबके साथ इस तरीके से मिसबिहेव करते हुए देखता है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते हुए देखेगा, तो वो क्या सीखेगा? यही सब बेसुरी बातें ना, इसीलिए मैं उनके साथ गाड़ी में कहीं पे भी जाना अवॉइड ही करती हूँ। ठीक है, हम आपकी सारी बातें समझ गए, आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द आपके पति को ये सिखा देंगे कि इस तरह से सड़कों पर लड़ना झगड़ना गाली गलौज करना कितना गलत है। हो सकता है कि हम कुछ ऐसा करें जो देखने में बहुत बड़ा लगे, लेकिन वो होगा सिर्फ एक नाटक, इसलिए आप घबराना मत और हमारा साथ दीजिएगा। आप जा सकती हैं और उसके बाद इत्मीनान से अपने पति के साथ गाड़ी में बैठ भी पाएंगे। बिल्लू को बुलाइए। दिखाई नहीं देता तुमको? टोनी को ओवरटेक करता है रे। अबे हन, अभी दिख नहीं रहा है, सिग्नल है, ग्रीन हो जाएगा तो साथ में चलेंगे बेवकूफ। पापा आपको बेवकूफ बोला? टोनी नाम है मेरा। बेवकूफ बोला, बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ। अरे टोनी नाम है मेरा, ऐसे टोनी मार दूंगा, टोनी को पीछे हटो तुम मेरे पापा से। तुम दूर रहो अपने बाप से, हटो। ले ले क्या? क्या लेके? हथियार। देख ले क्या लेके आता है। मेरे पास भी हथियार है बेवकूफ। टोनी नाम है मेरा। मैडम, ये आपका हर बार का है, केस के चक्कर में अस्पताल के केस के पेपर मेरे हाथ में आ जाएंगे, मैं फिर से पीटूंगा। देखो बिल्ले, ऐसा है कि करना तो पड़ेगा, क्योंकि बात आ गई अब थाने की इज्जत पे, और थाना की इज्जत के लिए हम लेटे हैं इस डिग्गी में। अम्मा लड़ो जाके, मारो सबको, नहीं तो बिल्लू निवास हाथ से निकल जाएगा तुम्हारे। ये लो अम्मा, जाके लड़ो, जाओ। जाना। मार। अच्छा मैया की सासू मैया, चूरनगिरी करने में ना एक नंबर है ये बिल्ला, बंद करके चला गया। ये तो लगता है कि निकल लिया, चल बगल वाले नाले में इसको फेंक देते हैं। करिश्मा मैडम को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं मैंने टिक्की लॉक तो नहीं कर दी? एक मिनट रुको, क्या चल रहा है यहाँ पे और क्या हो रहा है? ये
अम्मा ये तो मर गया, क्या किया यहाँ पे, क्या हो रहा था? और कौन है, किसने देखा, तुमने देखा है क्या? हाँ मैडम मैंने देखा है, इसी लड़के ने मारा है। तुम गवाही दोगे? बिल्कुल देंगे, गवाही नहीं देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, तुम तो गए अब लंबे। ओपन एंड शट केस, ये साबित हो चुका है कि इस लड़के की पिटाई की वजह से ही उस आदमी का मर्डर हुआ है। आपका बेटा गया उम्र कैद के लिए सर, ले जाओ इसे। जी मैडम। कभी सोचा है आपने कि इस तरह के रोड रेज के कितने केसेस होते हैं हर रोज? लोग छोटी छोटी सी बातों पर अपना आपा खो देते हैं, एक मिनट के गुस्से के जुनून में आकर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। मिस्टर टोनी, आपने कभी सोचा है कि जब आप सड़क पर उतरते हैं तो क्यों आप ही के साथ ये सब होता है, क्यों सब आप ही से आकर उलझते हैं? क्योंकि ये सबसे लड़ते हैं, इनमें पेशेंस ही नहीं है। स्टेरिंग हाथ में आते ही पता नहीं खुद को सड़क का मालिक समझने लगते हैं। अपने अलावा इन्हें हर किसी की गलती नजर आती है। आज मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं ये भूल गया था कि क्षण भर का गुस्सा किसी की जान ले सकता है और किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आज जब मेरे बेटे पे पड़ी है तब मुझे पता चला कि सड़क पर जो मैं मारपीट करता था उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा। मेरे कारण ही इस लड़के की आज ये हाल हुई है। भाई मुझे माफ कर दे भाई। मैडम मैं FIR वापस लेना चाहता हूं। मैं स्टेटमेंट लिख कर देना चाहता हूं, उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी थी। जी मैडम। अब बाबू आओ, तुम बाहर आओ। संतोष शर्मा, इनका स्टेटमेंट लिखो और साइन लो। जी मैडम। वो तो अच्छा हुआ आपने समय रहते हमारी दवाइयां हमें वापस दे दी, अब तो हमें ठीक ठाक दिखने भी लगा। हाँ ज्यादा कूदिए मत पुष्पा जी, वरना बाहर वाले लोगों को भी पता चल जाएगा कि आपको दिखाई नहीं देता है। बता दे हमने एक छोटा सा नाटक किया था आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है। बिल्लू आ, आ, चला। बहुत मारा, बहुत। आपके बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है, हमारे कहने पर बिल्लू ने मरने का नाटक किया था। पापा, मम्मी। एक मिनट, भले ही ये नाटक था लेकिन एक चीज आप हमेशा के लिए याद रखिए, बच्चे हमेशा माँ बाप से ही सीखते हैं। आप जैसी नींव रखेंगे इमारत वैसी ही खड़ी होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बड़े होकर उन्हें कैसा इंसान बनाना चाहते हैं। रमित, हमें लगता है अब तुम्हें भी इन्हें माफ कर देना चाहिए। जी मैडम सर, आप बिल्कुल सही कह रही है, हमने इनको माफ किया, लेकिन मैडम फिर भी हमें इनके खिलाफ रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी। अब वो क्या है ना कि बिना FIR किए हमें हमारी कार का इंश्योरेंस क्लेम कर ही नहीं सकते, तो रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी। हाँ, लिखाओ, मेरी गलती है ना, तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ। ठीक है, लिखवा दो रिपोर्ट। मैडम सर, प्रतियोगिता का आखिरी दिन है कल। हम पहले भी कह चुके हैं, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है हमारी ड्यूटी, वही है हमारी असली जीत। पुष्पा जी, मैडम सर। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, संतोष शर्मा रिपोर्ट लिखिए। एक मिनट संतो। मैडम सर, हम लिखते हैं ना FIR। जरा एक मिनट। हाँ मैडम सर। क्या बात है पुष्पा जी, गुड गुड, ऑल द बेस्ट। जी चलिए आइए बैठिए।
हम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। बैठो बैठो। चलिए बैठ। मैडम ये ना केस आपको कयामत जी बनकर ही सॉल्व करना था बाहर का बाहर। अभी देखो एक रिपोर्ट गई तो एक रिपोर्ट आ गई, ऐसे ही होता रहा ना तो हारने के लिस्ट में हमारा थाना लास्ट में आएगा, फिर थाना बंद। थाना तो हम किसी हाल में बंद नहीं होने देंगे। अभी हमारे पास एक हुकुम का इक्का बाकी है और वो ऐसा इक्का है ना कि पूरा काया पलट देगा। सर आपने अचानक से हमें इस तरह बुलाया, सब खैरियत ना? जी जी सब खैरियत है। अच्छा ये बताइए कि आपको ये कैबिन कैसे लग रहा है? अब वैसा ही लग रहा है सर जैसे हमेशा लगता है, मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये हमसे पूछ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि जो चीज कुछ दिन पश्चात आपकी होने वाली है हम उसके बारे में आपसे ही पूछेंगे ना। सर ये डीएसपी का केबिन है और हम महिला पुलिस थाने के एसएचओ हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप? चिंता मत कीजिए, हम आपको डीएसपी की जिम्मेदारी नहीं सौंप रहे। बात दरअसल ये है कि हमने आईजी साहब से आपका स्थानांतरण यहाँ इस मुख्यालय में करने की प्रार्थना की है। सर लेकिन हमारा तबादला होगा ही क्यों? आपको इस बात का थोड़ा तो अंदाजा होगा ही हसीना जी कि थाना प्रतियोगिता के नियम के अनुसार अगर आपका थाना अंतिम आता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा, और आपको तो आपके थाने की स्थिति पता ही है, तो ना चाहते हुए भी थाना प्रतियोगिता का परिणाम आने के बाद हमें महिला पुलिस थाने पर ताला लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपकी नियुक्ति यहां इस पुलिस मुख्यालय में होगी। माफ कीजिए सर लेकिन हमें अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा, लेकिन उस महिला पुलिस थाने में सिर्फ हम नहीं है, हमारे साथ एक पूरी टीम है। अगर थाना बंद हो गया तो उन सब का क्या होगा? हमें बड़ी प्रसन्नता होती है हसीना जी कि हमारे विभाग में आप जैसी अधिकारी है जो स्वयं से पहले अपने साथियों के बारे में सोचती है। क्या बात है हसीना जी, आप परेशान लग रही हैं? नहीं सर, हम बस ये सोच रहे हैं कि वो महिला पुलिस थाना जिसमें हमने इतना वक्त बिताया, अपना अस्तित्व झोंक दिया उसे बचाने के लिए, कुछ दिनों में शायद उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप बहुत भूली हैं हसीना जी, आपने हमेशा जज्बात का आंचल पकड़ रखा और आपकी इसी ईमानदारी का फायदा उठाकर कोई और ले गया। इस दुनिया में जीतना जरूरी है, तरीका सही हो या गलत कोई मायने नहीं रखता है। नहीं सर, हम ये नहीं मानते। उस जीत का फायदा ही क्या जिसके बाद हम खुद से नजरें ही ना मिला पाए, इससे तो हार बेहतर है। इसी कारण तो हम आपके प्रशंसक हैं। हमारा मतलब है आपकी विचारधारा के। कल की प्रतियोगिता के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है हसीना जी, हर बार आप हमारा दिल जीत लेती हैं। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। किधर? जय 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 हिंद। गुड मॉर्निंग चीते। किधर है मैडम सर? बताइए, वैसे पूरा दिन आपका चप्पड़ 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 चालू रहता है, अब हम जब काम का बात पूछेंगे ना पुष्पा जी से तो कुछ नहीं बोलेंगी। कहाँ है मैडम सर? कहाँ बकैती चल रहा है ये? हाँ अच्छा, चलते चलते गए बर्गर खाने। सेव बना रही हैं, सेव बना रही हैं। नहीं चीते, पुष्पा जी दिल बना रही है। दिल की कुछ बात करनी है आपको? हाँ इस उम्र में आप इतना रोमांटिक मत होइए पुष्पा जी। हमें बताइए कि मैडम सर किधर है? नहीं एक मिनट करिश्मा मैडम, आपने पूछा मैडम सर कहाँ है, पुष्पा जी दिल बना रही है, मतलब ऐसा कि कुछ कहीं मैडम सर का जहाँ दिल लगा हो। मैडम सर डीएसपी सर के ऑफिस गई है उनसे मिलने के। तुम भी टोपा हो का संतू? हाँ कुछ भी बकैती कर रही हो तुम भी इनके जैसे। ये देखो देखो ये भी मना कर रही है, ये बात नहीं है। कहाँ मैडम? मैडम सर डीएसपी सर के ऑफिस गई है। तो ये खुद अपने मुंह से काहे नहीं बोल रही है ये बात? करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, भले ही पुष्पा जी अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही है लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये हमको चिता चतुर्वेदी को पता है। तो हम लोग महिला पुलिस थाना कॉम्पिटिशन जीत जाए, हाँ। इसके लिए पुष्पा जी मौन व्रत रखी है।
एक भी लौटे देख देखे वाह का बात है का बात है। आपने मौन व्रत रखा है हमारे थाने के लिए। हाँ इतना बड़ा बकैती करके बैठी हैं आप। कुछ नहीं होता है व्रत व्रत रखने से। मैडम सर के उसूल और उनके जज्बातों के वजह से ना हमारा थाना ना बंद होने की कगार पे आ चुका है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद मैडम। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बुलबुल पांडे जी कैसा आना हुआ आपका यहाँ? हमने सोचा कि आखिरी बार इस पुलिस थाना का दर्शन कर लेते हैं। मिठाई देने आए। कहा कि बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के बाद हमारे थाने में सेलिब्रेशन होगा, इंटरव्यू होगा, जश्न होगा। समय नहीं ना होगा हमारे पास आप लोगों के पास आने के लिए, इसलिए एडवांस में ही आपके लिए मिठाई लेके आ गए। कहा कि आप सबका जवान बहुत कड़वा है, तो एडवांस में हमारा जीत का मिठाई खा लीजिए, थोड़ा सा आपका जिंदगी में मिठास आ जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.